प्यार में धोखा खाई इस नदी ने बदल लिया था अपना रास्ता। भारत की इकलौती नदी ऐसी है जो उल्टी दिशा में बहती है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि प्रेम में धोखा खाने के बाद इस नदी ने ऐसा किया था। जी हाँ, हिंदू पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र है कि प्यार में धोखा खाकर ये नदी ऐसी टूटी कि उसने अपने प्रेमी से मुख मोड़ लिया और रास्ते बदल दिए। इतना ही नहीं, इस नदी ने भगवान शिव की तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर इस नदी को ऐसा आशीर्वाद दिया जो किसी भी नदी को नहीं मिला। तो सबसे पहले जान ले ये नदी कौन थी। ये नदी थी नर्मदा। नर्मदा राजकुमारी राजा मेखल की पुत्री थी जो बेहद ही खूबसूरत थी। नर्मदा को प्रेम में धोखा राजकुमार सोनभद्र ने दिया था, लेकिन ये एक गलती के कारण हुआ था। नर्मदा ने तब अपनी दासी जूहिला को एक गुलाब के फूल के साथ राजकुमार से मिलने का संदेश भेजा था, लेकिन राजकुमार ने जूहिला को नर्मदा समझ लिया था। जूहिला की नियत में राजकुमार को देखकर खूंट आ गया था और वह राजकुमार के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर ली। इधर जब नर्मदा के सब्र का बांध टूटने लगा, तब दासी जूहिला के आने में भी देरी हुई। इतने में राजकुमारी नर्मदा खुद सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जूहिला को साथ देखकर वह इतनी दुखी हो गई कि तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी। इसके बाद वह भगवान शिव की तपस्या में ऐसी लगी कि शिव जी ने उन्हें प्रसन्न होकर उनकी नदी के हर पत्थर में अपने अंश होने का आशीर्वाद दे दिया था। यही कारण है कि नर्मदा नदी के हर पत्थर को पूजनीय माना गया है। जय हो नर्मदा माता की, जय हो शिव शंभू।